चांद को सितारा मुबारक, फूलों को उसकी खुशबू मुबारक, दिलों को उसका दिलदार मुबारक, आपको और आपके परिवार को ईद का त्योहार मुबारक। तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले हर दुआ कबूल हो जाए। आपको बकरा ईद की मुबारकबाद। नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं हूँ इस्माइल अंसारी। सबसे पहले रोजगार अखबार यूपी लाइव 100 न्यूज के समस्त टीम की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहार में से एक बकरा ईद ईद उल अजहा काफी महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को इस साल 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ईद उल अजहा 12वीं महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, यानी रमजान के महीने खत्म होने के 70 दिन के बाद बकरा ईद मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को बकरा ईद की मुबारकबाद देते हैं। आप भी इस दिन मैसेज और तस्वीर के माध्यम से अपनों को बकरा ईद की मुबारक दे सकते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने खलील यानी दोस्त बनाया, और दोस्त को जब इम्तिहान लेना चाहा तो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि अपने सबसे पसंदीदा चीज को मेरे लिए कुर्बान करो। तो उन्होंने एक दिन 100 ऊंट को कुर्बान किया, तो वहीं दूसरे दिन भी 100 ऊंट को कुर्बान किया, तीसरे दिन भी 100 ऊंट को कुर्बान किया, यहाँ तक कि 9 से 100 ऊंट कुर्बानी किया। किंतु जब उस पर अल्लाह राजी नहीं हुआ तो 10 को अपने सबसे अजीज बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिनी के करीब, मिनी यानी एक जगह का नाम है, वो उनके कुर्बान पेश किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील जन्नत से जानवर लेकर आए और उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया और उनके जगह पर जानवर यानी दुम्बे को जिबा कर दिया गया। इसी के याद में यह त्योहार मनाया जाता है। कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम के वक्त से शुरू हुई थी जो आज भी जारी है। खैर, चलते चलते आपको एक बात, ईद की बहुत बहुत बधाई हो और मुबारक नाम हो तेरा, मुबारक हो ईद तुझको, जिस तूने देखना चाहे उसी की दीद हो तुझको। सभी को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।